Friends, my this video lecture is going to be hypothesis testing sampling of attributes. तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ. मेरा जो लास्ट वीडियो था इससे, जिसमें मैंने आपको हाइपोथेसिस के बेसिक्स बताए थे, और मैंने आपको ये बात पहले ही कह रखी है कि अगर आपको इन वीडियोस को कंटिन्यूसली अंडरस्टैंड करना है तो आपको सीक्वेंस में इनको सुनना होगा, इनको सीक्वेंस में स्टडी करना होगा. तो मैंने आपको सारे जो स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर रखे हैं. तो हाइपोथेसिस की सीरीज़ में ये सेकंड जो वीडियो लेक्चर है. मैंने पहला आपको हाइपोथेसिस के बेसिक करवाए थे, तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट. ये तीन चार हिस्सों में डिवाइडेड होता है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग. जैसे कि एक सबसे पहले तो सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स आता है, उसके बाद सैम्पलिंग ऑफ लार्ज साइज डेटा होता है, उसके बाद सैम्पलिंग ऑफ अ स्मॉल साइज डेटा होता है जिसमें टी टेस्ट अप्लाई होता है, और लास्ट में एक स्मॉल टेस्ट जो होता है जिसे जेड टेस्ट का नाम दिया जाता है वो होता है. और अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जितने भी टेस्ट हमने अप्लाई करने होते हैं, जैसे कि मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो सीरीज़ चल रही है, अब मैं आपको लार्ज स्केल जो जेड टेस्ट है वो करवाऊंगा, उसके बाद टी टेस्ट, उसके बाद जो है स्मॉल जिसे हम जेड ही डिनोट जो है वो कर देते हैं. तो उन सब का जो बेसिक टेस्ट जो अप्लाई होता है, जिनमें बेसिक क्राइटेरिया अप्लाई होता है, वो हमेशा स्टैंडर्ड एरर का होता है. स्टैंडर्ड एरर तो, और जो बेसिक कर्व्स जो जिनके बिहाफ पे डिसीजन लिया जाता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है वो ही ली जाती है. उसके बारे में मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, उसका टेबल भी दे रखा है कि एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के दोनों साइड में कितना कितना एरिया डिवीजन में होता है. तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसके बारे में बताया था. उसकी कर्व जो है बेल शेप्ड होती है, उसकी जो सेंट्रल वैल्यू है उसके दोनों हिस्सों में जो कर्व्स है वो इक्वली डिवीजन होती है, उनकी उनके अंडर कितना कितना एरिया आता है. तो एरिया के रिगार्डिंग इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टेबल दे रखा है. तो मैं इसको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में बताता हूँ. जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी कर ही लिया है अब तक की स्टडी में कि एक पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं और एक सैम्पलिंग पैरामीटर्स होते हैं. और टेस्टिंग क्यों की जाती है? टेस्टिंग का बेस सिर्फ यही होता है कि ये फाइंड करना कि मैंने जो सैम्पल जो है वो कलेक्ट किया है उसकी वैल्यूज़, जो सेंट्रल वैल्यू है, जो मीन है, या फिर डिस्पर्शन है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उनमें एंड जो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन का मीन हो गया, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दोनों में डिफरेंस है या नहीं है, इस चीज़ को हाइपोथेसिस का टेस्टिंग कहा जाता है. क्योंकि हाइपोथेसिस एक फ्रेज होता है, वो एक सिंपल सी स्टेटमेंट या एस्टिमेशन होती है जो हम किसी न किसी एट्रीब्यूट के बारे में डालते हैं, तो उस पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगती है. तो ये सारा इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है. तो अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? जैसे कि आपको पता है, आप जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हो. इसी तरीके से जो सैम्पलिंग होते हैं पॉपुलेशन में, तो सेंसस होता है पूरा, जो सैम्पलिंग की स्टडी होती है, सैम्पलिंग का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, जो सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी हमने कलेक्ट किया, सपोज किसी स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट जो है एस्टिमेट करनी है, स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 1000 हैं, तो उनमें से हम कुछ एक का सैंपल ले लेते हैं. हमने सिर्फ 50 या 100 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिया, तो ये यूनिवर्स क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया 1000 स्टूडेंट्स और सैंपल हो गया 100 स्टूडेंट्स. तो 100 स्टूडेंट की जब स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं, मेरे कहने का मतलब जब हम सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं उसे हम स्टैंडर्ड एरर का नाम दे देते हैं. तो इसे स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों नहीं कहा जाता? इसे स्टैंडर्ड एरर क्यों कहा जाता है? इसे स्टैंडर्ड एरर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो प्रेसिशन है वो एग्जैक्टली नहीं हो सकती, क्योंकि सैम्पलिंग में कुछ एक मिस्टेक्स हो सकते हैं, आप यूनिट्स लेने में मिस्टेक्स कर सकते हो, या सैम्पलिंग में हमेशा कुछ ना कुछ सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस होते हैं. तो इसीलिए सैम्पलिंग के स्टैंडर्ड डिविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं, और यही एक बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो अप्लाई करते हैं. और इसकी कैलकुलेशन सेम ही होती है, जैसे कि वेरिएंस का अंडर रूट हम फाइंड कर देते हैं तो वो स्टैंडर्ड एरर आ जाता है एज़ फार एज़ दी पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर कंसर्न्ड. इसी तरीके से सैम्पलिंग का जो स्टैंडर्ड एरर है वो फाइंड किया जा सकता है, बट फिर भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, बहुत सारे टेस्ट में स्टैंडर्ड एरर अप्लाई होती है,
और इनके लिए स्टैंडर्ड एरर्स जो है वो रेडिली उनके फॉर्मूले जो हैं अवेलेबल हैं, और हमारी एज़ फार एज़ आवर स्टडी इज़ कंसर्नड उसमें बहुत बार जो स्टैंडर्ड एरर के जो फॉर्मूले हैं उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको सभी फॉर्मूले जो है वो आने चाहिए। तो मैं बड़ा सिस्टमेटिकली इसमें आपको बताऊँगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनकी हाइपोथेसिस कैसे की जाती है, और ये कैसे फाइंड किया जाता है कि अगर मैंने सैंपल से कोई चीज़ फाइंड की है तो उसमें और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि आज की डेट में जो रिसर्च होती है, आप सारे का सारा सेंसस या यूनिवर्स को स्टडी नहीं कर सकते, आप सैम्पलिंग को स्टडी करते हो। तो जब आप सैम्पलिंग को स्टडी कर लेते हो उसके बाद उसमें कुछ एक टेस्ट अप्लाई करते हो, जो मैं आपको यहाँ पे समझाने या पढ़ाने जा रहा हूँ, सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स में आप कुछ एक टेस्ट अप्लाई करते हो, जैसे स्टैंडर्ड एरर टेस्ट हो गया। तो उन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद आप ये फाइंड करते हो कि जो मैंने सैंपल लिया है वो पॉपुलेशन से डिफरेंट तो नहीं। अगर वो उसका आंसर एक स्पेसिफिक लिमिट के बीच आ जाता है तो आप ये मान लेते हो कि सैंपल मेरा बिल्कुल सही है और मैं सैंपल के बेस पे ही अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर लूँगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड एरर मैंने आपको बता दिया। तो स्टैंडर्ड एरर के फ़ायदे मैं आपको बता दूँ अब क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर सबसे पहला टेस्ट होता है। मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स वो करवाऊँगा आपको। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड एरर आपको एक आइडिया देता है कि आपकी जो बात है या आपकी जो सैम्पलिंग स्टडी है वो कितनी प्रिसाइज हैं या कितनी रिलायबल हैं, आपका एस्टिमेशन कितना सही है, कितना अच्छा है, डिग्री ऑफ प्रेसिशन कितनी है, ये स्टैंडर्ड एरर के बिहाफ पे पता चलता है। उसके बाद ये आपको लिमिट्स जो है फाइंड करना सिखाता है। स्टैंडर्ड एरर से आप लिमिट्स फाइंड कर सकते हो कि किस तरीके से, कि मतलब कि किस कॉन्फिडेंस लेवल पे। मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑलरेडी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जब मैंने हाइपोथेसिस बेसिक्स की वीडियो दी थी तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको ये बताता है कि नॉर्मल एरिया कर्व जो है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है, उसके अंडर कितना एरिया, कितने स्टैंडर्ड एरर एरिया जो है वो फॉल करना चाहिए। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे लिमिट्स जो है, एरिया की लिमिट्स जो है कि कहाँ तक स्टैंडर्ड एरर आ सकती है, तो वो प्रेस्क्राइब करता है। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द लिमिट्स विद इन विच द पैरामीटर वैल्यू माइट लाई अंडर अ डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कुछ एक एग्जांपल दे रखी है मैंने, जैसे 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में स्टैंडर्ड एरर का एरिया मीन प्लस या माइनस 1.96 होना चाहिए, तो 1% कॉन्फिडेंस लेवल पे मीन प्लस या माइनस 2.58 होना चाहिए, 0.27% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे जो एरिया है वो इतना आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें जो है, जो स्टैंडर्ड एरर है, आपको लिमिट्स प्रेस्क्राइब कर देता है। तो इसके बाद इसका एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है, ये आपको, ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। ये आपको सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बताता है, हाइपोथेटिकल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसका टेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगा के उसको फाइंड किया जाता है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो जो एक्चुअली आई होती है। तो दोनों के डिफरेंस पे स्टैंडर्ड एरर जब हम अप्लाई करते हैं तो ये आपको बताता है कि आपका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। डिफरेंस इन द सेंस कि आपका जो सैंपल है वो वैलिड है या नहीं है, ये आपको सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ही पता चलता है। और ये कहाँ से आती है ये वैल्यू, बाय द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड एरर है उसकी ये भी एक बहुत अच्छी या बहुत बड़ी जो है ग्रेटनेस है, दैट इट हेल्प्स अस ग्रेटली इन टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस और चेकिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसके बाद यह हमें इस चीज़ में भी हेल्प करता है इन टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंडिपेंडेंट सैम्पल एस्टिमेट्स। कोई अगर एक पॉपुलेशन में दो सैंपल फाइंड हम कर लेते हैं तो दोनों सैंपल में आपस में डिफरेंस जो है वो कितना है और सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इस चीज़ को एस्टिमेट करने पे भी ये हमारी हेल्प करता है। तो अब मैं आपको थोड़े से टर्मिनोलॉजीज़ और अंडरस्टैंड करवा दूँ, इसके बाद हम उस चीज़ पे मूव करेंगे जो मैंने टॉपिक रखा हुआ है सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड एरर टेस्ट का। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन आ जाती है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि दो तरीके की वैल्यू होती है, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। तो टेस्ट आपने लगाना होता है, आपने देखना होता है कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है और वो डिफरेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर तो वो डिफरेंट सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब आप सैंपल को
एज अ पॉपुलेशन नहीं यूज़ कर सकते, इसका मतलब आपका सैम्पल वैलिड नहीं है। और अगर डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है तो आप जो आपका जो सैम्पल है तो उस चीज़ को आप पॉपुलेशन के प्लेस में यूज़ कर सकते हो। आई मीन टू से देन योर सैम्पल बिकम्स वैलिड इफ़ द डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट। तो वैल्यूज़ क्या बताई मैंने, एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो तो कोई ना कोई क्राइटेरिया बना होता है, उनके बेसिस पे हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बिहाफ पे फाइंड कर सकते हो आप, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के, या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा के कर सकते हो। बट जो एक और एस्टिमेशन होता है जिसे हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन कहते हैं, इसके बेसिस पे भी आप जो है वो फाइंड कर सकते हो कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी जो है वो कितनी होनी चाहिए। एटलीस्ट बाई द थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन वी मीन दैट पार्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस विच प्रोवाइड अस विद द टेक्निक एंड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर फ्रॉम अ नेट ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैरामीटर्स फाइंड, पॉपुलेशन के पैरामीटर्स फाइंड करने की जो जो पावर है हमारी, उस चीज़ को हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन कहते हैं। ये दो तरीके की होती है, इस एस्टिमेट दो तरीके के होते हैं, या तो इंटरवल एस्टिमेट या पॉइंट एस्टिमेट। ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन आपको बताती है कि जो आपने सैंपल, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल कलेक्ट किए हैं उनके बेसिस पे जब आप पॉपुलेशन के बारे में कोई एस्टिमेशन लगा देते हो उस चीज़ को आप थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन कहोगे। और ये दो तरीके का होता है, या तो इंटरवल एस्टिमेट या पॉइंट एस्टिमेट। तो इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, जब आप प्रॉबेबल रेंज एस्टिमेट करते हो कि जो मीन है, सपोज़ जो मीन आपने कह दिया कि जो मी जो सेंट्रल वैल्यू है या मीन है वो 5 से लेकर 8 तक आना चाहिए, 5 to 8। तो यहाँ तक हम जो है उस चीज़ को वैलिड मानेंगे। तो इस चीज़, तो ऐसे एस्टिमेट को आप इंटरवल एस्टिमेट कहते हो। और पॉइंट एस्टिमेट आप सिंगल स्टेटिस्टिक यूज़ कर सकते हैं कि मेरा मीन 6 ही आना चाहिए या 7 ही आना चाहिए, उस चीज़ को आप पॉइंट एस्टिमेट का नाम दे देते हो। तो ये भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही आप कैलकुलेट करते हो, विच इज़ यूज टू एस्टिमेट अननोन पैरामीटर वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट। तो इसे एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर का नाम भी दिया जाता है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ये प्रोसीजर जो जितने भी टेस्ट हैं, मैं आपको टी टेस्ट भी करवाऊँगा, आपको जेड टेस्ट जो लार्ज जो फील्ड्स हैं वहाँ पे अप्लाई होता है, मैं वहाँ पे भी आपको करवाऊँगा। तो सबसे पहले इसके प्रोसीजर में 4 जो सिस्टम हैं वो लगते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको 2 हाइपोथेसिस जो है वो जो सेट करने होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आपको पहले ही जो प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है उसमें दिया होता है कि मतलब कि सपोज़ एक कॉइन है, उसको जो फ़्लिप किया 16 16 टाइम्स जो है उसे फ़्लिप किया, और उनमें से 8 टाइम हेड आया। तो आप ये फाइंड करो कि जो कॉइन है वो इम्बेलेंस्ड नहीं है, मतलब कि वो 8 ही आने थे। तो आप पहले एक नल हाइपोथेसिस सेट कर लेते हो कि जो कॉइन है वो इम्बेलेंस्ड नहीं है। तो इस तरीके से आप कि चाहे वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हो या फिर आप एक्सपेक्ट करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे इस तरीके से आप नल हाइपोथेसिस सेट कर लेते हो। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता है कि दोनों में डिफरेंस है और ये सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशन के कारण नहीं है, इसका रीज़न है कि जो कॉइन है वो इम्बेलेंस्ड है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको जो ये दोनों हाइपोथेसिस हैं वो सेट करने होते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग। उसके बाद आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो डिटरमिन करना होता है कि आप जो टेस्ट है वो कौन से लेवल पे लगाना चाहते हो, 1% पे, 5% पे, 10% पे। यूजुअली 5% पे फिक्स किया जाता है। उसके बाद आपने कौन सा टेस्ट लगाना है तो ये आपने एस्टिमेट करना होता है, वो कौन सा, कोई भी हो सकता है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, स्टैंडर्ड एरर टेस्ट, कई सारे टेस्ट जो है स्टैटिस्टिक्स के बने हुए हैं। उसके बाद आपने कंक्लूजन निकालना होता है कि आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, मतलब कि आपका सैंपल जो है वैलिड है या नहीं है वो इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। और अब आपको मैं एक बहुत ही अच्छे से प्रोसीजर से समझाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हो। सबसे पहले होता है हाइपोथेसिस इन सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। पहले एट्रीब्यूट समझ लो क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है
कि जो आपने सैंपल जो सैंपल आपने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जो सैंपल आपने ऑब्टेन किया हुआ है, उसमें उस सैंपल में से जो कोई स्पेशल एलिमेंट, उस चीज़ को आप एट्रीब्यूट कह देते हो। जैसे कि 100 पीपल हैं, 100 पीपल में से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, तो मेल फीमेल होना एक एट्रीब्यूट हो जाता है। या फिर एक कॉइन है, कॉइन को आप 100 टाइम्स फ्लिप करते हो, उसमें से कितनी बार हेड आएगा, कितनी बार टेल आएगा, तो इस चीज़ को आप एट्रीब्यूट कह दोगे। अगर 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से कितने ब्लाइंड हैं, कितने नॉट ब्लाइंड हैं, उस चीज़ को एट्रीब्यूट है। तो ये चीज़ें एट्रीब्यूट होती हैं। बाय द टर्म सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट, वी मीन सेलेक्टिंग ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ सर्टेन साइज फ्रॉम अ यूनिवर्स विच कंसिस्ट ऑफ प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट लाइक ब्लाइंडनेस, डेफनेस, लिटरेसी विद इट्स मेंबर यूनिट्स। तो इस चीज़ को हम ये कहते हैं, तो इसकी प्रेजेंस को हम सक्सेस कहते हैं, सक्सेस मीन्स पी, और इसके फेलियर को हम जो क्यों कहते हैं, तो एट्रीब्यूशन की उसको फेलियर कहते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या हो, किसी किसी सैंपल में एक किसी स्पेशल चीज़ का होना या ना होना, उस चीज़ को हम एट्रीब्यूट, उस स्पेशल चीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं, और उसके होने को हम सक्सेस कहते हैं और नहीं होने को हम फेलियर कहते हैं। तो ये कैसे एस्टिमेट की जाती है, इनका बेसिक जो एस्टिमेशन का, कोई चीज़ किसी चीज़ में कोई स्पेशल एट्रीब्यूट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में, जिन जो तीन बने हुए हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, जैसे कि पॉइसन, नॉर्मल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उनके बेसिस पे ये फाइंड किया जाता है कि कितनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और कितनी फेलियर की प्रोबेबिलिटी। अब मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है टेस्ट लगाते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड एरर का टेस्ट कहते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये नॉर्मल एरिया कर्व के अंडर आता है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट करके बड़ा सिस्टमेटिकली मैंने यहाँ पे शो किया हो, मैं आपको बताऊँगा कि एट्रीब्यूशन जो होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। आपको एक एग्जांपल देके मैंने फिर एक एक स्टेप जो है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले तो सपोज अ कॉइन वॉज फ्लिप्ड फॉर 10 टाइम्स एंड द हेड कम्स अप फॉर 8 टाइम्स। सो एक पर्सन है, उसने 10 बार किसी कॉइन को फ्लिप किया और उसमें से 8 बार हेड आ गया। तो उसने आगे कहा है कि 90% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में हाइपोथेसिस सेट करो और ये फाइंड करो कि कॉइन इम्बैलेंस तो नहीं। आई मीन टू से कि जो अगर जो कॉइन है हमने 10 बार ही फ्लिप किया है तो 8 आए हैं, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं 10,000 टाइम करूँगा तो इतनी बार ही जो हेड आएगा, प्रोपोर्शनेटली इतनी बार ही हेड आएगा। तो इस तरीके से मैं इस जो ये जो प्रैक्टिकल है ये रिगार्डिंग सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो मैं तो इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, इसमें स्टैंडर्ड एरर का टेस्ट अप्लाई होगा। मैं अप्लाई करना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहला जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टेट द नल हाइपोथेसिस। पहले नल हाइपोथेसिस स्टेट करो कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो जो नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं उसमें ऑब्जर्व्ड जो एक्सपेक्टेड दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मीन्स टू से कि नंबर ऑफ सक्सेसेस इसमें क्या हो गया, हेड, हेड का आना सक्सेस हो गई। तो ये एट्रीब्यूट हो गया, एक एक कॉइन को आपने फ्लिप किया उसमें से कितनी बार हेड आएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हम सक्सेस कहेंगे, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हम फेलियर कहेंगे। तो ये चीज़ों दोनों का डिफरेंस पहले तो ये स्टेट कर दो कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल। तो ये नल हाइपोथेसिस हो गया। सेकंड नंबर पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करो सक्सेस एंड फेलियर की। तो आपको पता ही है कि एक कॉइन को आप फ्लिप करोगे, अगर तो वो इम्बेलेंस्ड नहीं है तो फिर हाफ प्रोबेबिलिटी होगी जो हेड के आने की और हाफ प्रोबेबिलिटी टेल के आने की, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ हो गई और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हाफ हो गई। इसके बाद थर्ड स्टेप है ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सक्सेसेस फाइंड करो। ऑब्जर्व्ड तो आपको पता लग ही गया, आपने 10 बार फ्लिप किया था तो कितनी बार हेड आया, 8 टाइम्स, तो 8 आपका ऑब्जर्व्ड और सक्सेसेस आ गई। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड आप थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा लो, आपने 10 बार फ्लिप किया तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/2। तो 10 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हेड इतने आएंगे। तो अब उसके बाद में क्या है, दोनों में डिफरेंस, चौथा स्टेप जो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, दोनों में डिफरेंस फाइंड करो। 8 - 5 3 हो गया। उसके बाद आप इसकी जो अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड एरर है तो उसको कैलकुलेट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर के बेसिस पे ही आप इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो हर एक चीज़ के लिए।
डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज जो स्टैंडर्ड एरर के हैं बने हुए हैं, तो वी हैव टू अप्लाई द स्टैंडर्ड एरर टेस्ट इन केस ऑफ सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स, मैंने स्पेसिफाई कर रखा है. सो फाइंड द अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड एरर इन केस ऑफ टेस्ट फॉर द डिफरेंस इन नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला बना हुआ है ऑन द नंबर ऑफ सक्सेस वो ये है, स्टैंडर्ड एरर पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, एन नंबर कितने नंबर्स हैं, तो पी सक्सेस क्यू फेलियर ऑब्वियसली. जब आप इसको फाइंड करोगे आपका 1.58 स्टैंडर्ड एरर इतना आता है. तो सिक्स्थ स्टेप है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बाय द फॉलोइंग फार्मूला. तो ये डिफरेंस जितना आपका डिफरेंस आया था वही डिफरेंस ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड में कितना डिफरेंस था, वो 3 का डिफरेंस था. तो जो स्टैंडर्ड एरर आपकी कितनी आई थी 1.58, आप दोनों का जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, जब 3 को 1.58 से डिवाइड करोगे आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 1.89 स्टैंडर्ड एरर. इसे आप कहोगे 1.89 स्टैंडर्ड एरर. तो लास्ट ये जो वैल्यू आती है इसे जो नॉर्मल एरिया कर्व की जो वैल्यू है, जो नॉर्मल एरिया कर्व का जो मैंने आपको जो लास्ट वीडियोस में आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व एरिया कर्व बताया था आपको कि एक बेल शेप्ड होता है ये, और सेंटर में इसकी सेंट्रल वैल्यू होती है और दो टेल्स होती हैं इसकी लेफ्ट एंड राइट, और दोनों में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सेम होती हैं. तो उस टेबल में से आप जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो 95% लेवल पे. आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा था, टेस्ट दी हाइपोथिसिस एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दी क्वीन वॉज नॉट इम्बेलेंस्ड. तो इसका मैंने सब तो कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस कैलकुलेटेड, जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया 1.89 स्टैंडर्ड एरर. इसको कैलकुलेट करो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस गिवन इन द अप्रोप्रिएट टेबल शोइंग द एरिया अंडर नॉर्मल कर्व अंडर द गिवन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. तो आप उस टेबल में से कैलकुलेट करो कि 95% पे कितनी वैल्यू आनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ, ये टेबल बना हुआ है. तो आपको ये इसे हम कहते हैं टेबल फॉर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल कर्व. जेड की वैल्यू होती है इसे, जो जेड का नाम भी दे देते हैं इस चीज़ को. तो आप वन तो जेड का जो एरिया होता है वो आपको पता है जो 95% दे रखा है, 95% जो है वो आता है हमारा 1.96 पे, क्योंकि 1.9 यहाँ से आप पढ़ते हो जेड के नीचे जो लाइंस दे रखी हैं 1.9 को जब 6 तक लेके जाते हो आप तो ये आपको बता देता है. तो ये आपको ये शो जब आप देखते हो 1.96 पे तो आपको वैल्यू दे रखी है 0.4750. तो क्योंकि ये वन टेल्ड है तो जब इसको 0.4750 में से प्लस करोगे 0.4750 एक बार फिर, तो 95% आपका लेवल आ जाएगा. इसका मतलब आपका जेड का एरिया 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे बनता है 1.96. तो आपकी वैल्यू क्या आती है, आपकी वैल्यू आती है सो इन दिस इन द एग्जांपल मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस एक्सपेक्टेड एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज 1.96 स्टैंडर्ड एरर. और आपकी आई कितनी वैल्यू, आपकी आई थी जब आपने सॉल्व किया था 1.89 स्टैंडर्ड एरर. तो ये उससे कम है जो एक्सपेक्टेड है, उससे ऑब्जर्व्ड कम है. तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है और कॉइन जो है इम्बैलेंस नहीं है. तो आप इस सैंपल को, इस 10 टाइम्स आपने कॉइन को फ्लिप किया, इसी सैंपल को आप यूज़ कर सकते हो इस वैल्यू के लिए कि अगर मैं 10,000 टाइम्स करूँ तब भी प्रोपोर्शनेटली इतने ही हेड जाएंगे. तो आप यूज़ कर सकते हो. इस तरीके से रिसर्च होती है आज के टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगा के आप फाइंड कर सकते हो. इसे हम स्टैंडर्ड एरर टेस्ट कहते हैं जो मैंने आपको सिखा दिया, और ये इस तरीके से फाइंड किया जाता है. अब मैं आपको बता दूं कि ये तो ये था ना कि नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए जो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला आपको याद, सिर्फ प्रोसेस हर एक में सेम ही होता है. आपको बस इसका स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला याद रखना होता है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला जो अप्लाई होना होता है. तो सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट डिफरेंट ये मैंने एक जैसे प्रोसेस बता दिया, प्रोसेस सेम रहेगा बट स्टैंडर्ड एरर के फार्मूलेज चेंज हो जाते हैं. तो मैंने अब उनकी लिस्ट जो है वो स्पेसिफाई कर रखी है यहाँ पे, द वेरियस स्टैंडर्ड एरर्स फॉर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग ब्रॉड हेड्स. तो मैंने लिखे हुए हैं सबसे पहले नंबर ऑफ सक्सेसेस में ये फार्मूला अप्लाई होगा,
उसके बाद टेस्ट ऑफ डिफरेंस इन प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस, प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस अगर पूछा है उन्होंने, उसमें ये स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन ऑफ सेम यूनिवर्स, अगर एक ही यूनिवर्स की दो प्रपोर्शंस आपने, दो सैंपल जो हैं वो रखे हुए हैं, तो उनमें आपस में जो डिफरेंस होगा उस वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए जो स्टैंडर्ड एरर लगती है, तो उसका फार्मूला आप ये जो है वो रखोगे। तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स डिफरेंट है, जैसे एक स्कूल डिफरेंट है दूसरा कॉलेज है, तो दोनों यूनिवर्स आपस में डिफरेंट हैं, तो उनमें अगर उनकी प्रपोर्शन में कोई आपने जो है वो फाइंड करना है, टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट यूनिवर्स, तो उनकी प्रपोर्शन में करना है, तो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट सैम्पल मल्टीप्लाइड बाई probability of a failure in first sample divided by number of total number of observation in first sample। तो इसी तरीके से इसको प्लस कर देना, वही जो सेकेंड की ये तीनों वैल्यू हैं उनमें से, तो उनका अंडररूट फाइंड करके आप ये फाइंड कर सकते हो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू। फाइंड करने का प्रोसेस वही रहता है हमेशा। तो इसी तरीके से टेस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट सैम्पल प्रपोर्शन, अगर जो एक सैम्पल प्रपोर्शन है या फिर टोटल पूल्ड प्रपोर्शन है, जैसे कि 1000 स्टूडेंट थे तो उनमें से 100 का आपने कैलकुलेट कर दिया, जब 100 को आप 1000 से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगता है। तो अगर दो सैंपल कैलकुलेट डिफरेंट डिफरेंट सैंपल कैलकुलेट कर देते हो, तो जैसे सैंपल वन को पूल्ड प्रपोर्शन से या पूल्ड पॉपुलेशन से कंपेयर करते हो तो पहले वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है, तो सैंपल टू को अगर पूल्ड जो पॉपुलेशन है उससे कंपैरिजन करना हो तो सेकंड वाला फार्मूला स्टैंडर्ड एरर का आप वो अप्लाई करते हो। इस तरीके से मैंने आपको ये सभी समझाया, प्रोसेस सेम रहता है, बट आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में और स्टैंडर्ड एरर के फार्मूलेज जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो लास्ट में मैंने वो टेबल स्पेसिफाई कर रखा है, टेबल ऑफ एरिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल कर्व, आपको मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए टेबल के ऊपर एक कर्व जो है वो बनी हुई है जिसे ज़ीरो जेड का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू जेड की वैल्यू होती है एक्चुअली। तो इस टेस्ट को कुछ ऑथर्स जो हैं वो जेड टेस्ट का नाम भी दे देते हैं, जिसे स्टैंडर्ड एरर का टेस्ट भी कहा जाता है। तो एक नॉर्मल कर्व बनी हुई है, आप देखो बीच में एक सेंट्रल वैल्यू है जो सबसे ऊंची वही है, और दोनों साइड में उस पर जो सेम फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू जो हैं वो जा रही हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, इसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का नाम दे देते हैं, और इससे वैल्यूज़ जो है या फिर एरिया जो है वो फाइंड किया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सैम्पलिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया। इफ़ यू नीड द नोट्स रिगार्डिंग नेट GRF कॉमर्स, तो उसके मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैंने अपना नंबर स्पेसिफाई कर रखा है, और बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस रखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।